क्वेश्चन नंबर 51 है आपका, निम्नांकित में से किस भारतीय जलवायु एक्टिविस्ट को एंटोनियो गुटेरेस के जलवायु के युवा सलाहकार के रूप में शामिल किया गया था? इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्चना सोरंग इसका सही आंसर है। अगला है, निम्नांकित में से किस संस्था ने मल्टी कैप म्यूचुअल फंड की श्रेणी को संशोधित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा सेबी। आरबीआई की फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये फुल फॉर्म्स बहुत ज़रूरी है याद रखनी। और सेबी की फुल फॉर्म है यहाँ पे सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और सिडबी की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो सिडबी की फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो इन फुल फॉर्म्स को ज़रूर देख लेना। क्वेश्चन नंबर 53 की अगर मैं बात करूँ, निम्नांकित में से किसके शासनकाल में आगरा नहर का कार्य पूरा हुआ? तो इसका जो आंसर है वो है ब्रिटिश काल, ब्रिटिश पीरियड। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नांकित में से कौन सा कार्यक्रम बंद किए जाने का प्रस्ताव है? एमफिल इसका सही आंसर हो जाएगा। और एनईपी 2020 में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 2035 तक ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो में कितनी वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है? एक सेकेंड, इसका आंसर है 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर गैस का मुख्य तत्व मीथेन है और मीथेन का जो क्या बोलते हैं उसको जो फॉर्मूला है वो है CH4 के द्वारा हम उसको दिखाते हैं। उसके बाद हमारा है 57, निम्नांकित में से किस वर्ष सिराजुद्दौला ने कलकत्ता की ब्रिटिश फैक्ट्री पर आक्रमण किया था? तो क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर है 1756। निम्नांकित में से किसने स्वतंत्रता की घोषणा का ड्राफ्ट 1930 में तैयार किया था? तो महात्मा गांधी जी इसका सही आंसर हो जाएगा। 2020 में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का थीम क्या था? तो इसका थीम था बिना सीमा के भाषाएं। एक क्वेश्चन एक और बन सकता है यहाँ पे कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 21 फरवरी को। तो ये भी आपको याद होना चाहिए क्योंकि डेज भी पूछे जाते हैं। ड्रग दुरुपयोग एवं उसकी अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हमारा 26 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस महान भारतीय व्यक्ति का जन्म दिन विश्व विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो APJ अब्दुल कलाम इसका सही उत्तर है। मानव ठक्कर जो हाल ही में खबरों में रहे हैं, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, वो कौन से खेल से संबंधित है? तो टेबल टेनिस इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नांकित में से किस क्रिकेटर को BCCI का CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया? तो ये उस टाइम का करंट क्वेश्चन है, तो उस 2020 के अकॉर्डिंग, तो उसके अकॉर्डिंग के श्रीकांत इसका सही आंसर हो जाएगा 63 का। और यहाँ पे आप BCCI की फुल फॉर्म जो है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 63 लिख के। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 64 है यहाँ पे, निम्नांकित में से किस विटामिन को टोके फेरोल के नाम से जाना जाता है? विटामिन ई इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, निम्नांकित में से कौन सा बैक्टीरिया जनित बीमारी नहीं है? तो मलेरिया बैक्टीरिया जनित बीमारी नहीं है। उसके बाद डाउन सिंड्रोम को और किस नाम से जाना जाता है? ट्राइसोमी भी बोलते हैं और मंगोलिज्म भी बोलते हैं। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ग्लूकोमा से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आँख इसका सही आंसर हो जाएगा। रतौंधी किस विटामिन की कमी, रतौंधी की जो बीमारी होती है वो किस विटामिन की कमी से होती है? और ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी जाता है, तो ये होती है हमारे विटामिन ए। उसके बाद है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हमारा कब मनाया जाता है? तो ये 22 मई को मनाया जाता है। भारत की भू सीमाएँ कितने राष्ट्रों से मिलती है? तो सात राष्ट्रों से मिलती है, ठीक है, हमारे पड़ोसी देश भी साथ ही हैं। उसके बाद हमारा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्नांकित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत के सिर्फ एक राज्य में फैली है? अजंता इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका है, निम्नांकित में से गुरु नानक देव जी का जन्म स्थल कौन सा है? तो ये है नानक साहिब।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 73 है, 1893 में गणपति महोत्सव आरंभ करने एवं उसे राष्ट्रीय बनाने का श्रेय लोकमान्य तिलक जी को जाता है। फ्लोमिंगो फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है, तो वो आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। निम्नांकित में से किस राज्य केंद्र प्रशासित प्रदेश में विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल का निर्माण हो रहा है, तो जम्मू कश्मीर इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसके बाद रीजनिंग के क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे आंसर स्टिक कर रही हूँ। तो ए बी की बहन है, सी बी की माता है, डी सी का पिता है, बताइए ए और डी का क्या संबंध है। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो पोत्री ग्रैंड डॉटर इसका सही आंसर हो जाएगा। और अगर आप इसको इसमें क्या किया है, जेड आता है 26 पे, 26 और 26 को प्लस करोगे तो 52 आ जाएगा। एक्ट के तीनों नंबर्स को काउंट कर लो, 1, 3 और 20, तो कितना हो गया 20 और ये 24 हो गया, 24 को प्लस करोगे तो 48। ठीक इसी तरीके से बैट में क्या हो गया, 1, 2 और 20, अभी 23 और 23 को जब आप प्लस करोगे तो आपको 46 सही आंसर आ जाएगा, 77 का आंसर। उसके बाद हमारा है 78, उस संख्या को चुनिए जो समूह से भिन्न है। 78 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 162। इसमें श्रेणी में आपको गलत संख्या बतानी है, तो 1381 इसकी गलत संख्या है। क्वेश्चन नंबर 80 है, आज वरुण का जन्मदिन है, आज के एक वर्ष बाद वह 12 वर्ष पूर्व अपनी उम्र का दोगुना हो जाएगा, अभी उसकी प्रेजेंट में कितनी एज है। क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर हो जाएगा 25 ईयर्स। देन उसके बाद ये इजी क्वेश्चन है काफ़ी, 81 का आंसर हो जाएगा आपका 82 का आंसर हो जाएगा, एक सेकेंड, 81 का आंसर 82 का आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 28। 83 का हो जाएगा टेनिस कोर्ट से रिलेटेड है, तो क्रिकेट पिच से रिलेटेड है, ठीक है पिच आ जाएगा इसमें। 84 का आपका आंसर हो जाएगा बी, सॉल्व करेंगे बहुत इजी है, आराम से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 85 है इसका आंसर है आपका सी। देन उसके बाद हमारा 86 का आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा 19, और 87 का हो जाएगा आपका 5 आंसर हो जाएगा। और आप इसको सॉल्व करोगे बहुत इजी है, आराम से सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पे इसका टी हो जाएगा 88 का, और यहाँ पे 89 का आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक है। यहाँ पर बोला है यात्री ट्रेन और बस के संबंध को दर्शाइए, तो देखो यात्री ट्रेन में भी हो सकते हैं और बस में भी हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर, ये एक चार्ट दिया हुआ है, आप इसको एनालिसिस कर लेना। अब यहाँ पे पूछा है कितने लोग चाय और शराब पीते हैं, आप इसको एनालिसिस करोगे तो आराम से इजीली फाइंड आउट कर लोगे। तो इसका 17 आंसर हो जाएगा, 91 का आपका जो क्वेश्चन नंबर 91 है इसका 7 आंसर हो जाएगा, और 92 का आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा 15। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 93 है, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, सॉल्व करोगे इजीली हो जाएगा। उसके बाद आपका 94 है, समूह से अलग शब्द आँख कान पैर और नाक, तो पैर इसका अलग समूह है ये। और उसके बाद है पास्तीय 15 और 4 19 हो गया, 7 5 35, 35 और 6 कितने होते हैं 41, तो इसका आंसर हो जाएगा 41। 96 है, एक कक्षा में एक्स लड़कियां और वाई लड़के हैं, कक्षा का कौन सा भाग लड़कियों का है, तो क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर आपका हो जाएगा बी। 97 है, नीचे दिए गए प्रारूप में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। अब इन्होंने क्या किया हुआ है, 24 को प्लस करके फिर से उसमें 24 ऐड कर दिया है, ऐसे ही 16 को प्लस करोगे 32, फिर 32 प्लस करोगे, देन उसके बाद फिर 16 प्लस करोगे, इस टाइप से कुछ करना है। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व करोगे तो 144 इसका सही आंसर आ जाएगा। उसके बाद आपका है क्वेश्चन नंबर 98 में इसका है फ्रेंड बन रहा है, इसको आप अगर सार्थक शब्द अगर बनाएंगे तो इसका जो है ये ऑप्शन सही हो जाएगा 98 का। 99 में इसको पढ़ेंगे, स्टेटमेंट दिए निष्कर्ष दिए हुए हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, निष्कर्ष एक और दो दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 100 है, बहुत इजी क्वेश्चन है, 100 का हो जाएगा ए। तो इस तरीके से ये सारे हमारे क्वेश्चंस हैं। थैंक यू।